पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर आपातकालीन में गेहूं के आटे और बिजली की ऊंची कीमतों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। शनिवार और रविवार को प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में अधिकतर पुलिसकर्मी शामिल हैं। पाकिस्तान के डॉन अखबार के मुताबिक विवादित क्षेत्र में शनिवार को पुलिस और अधिकार आंदोलन के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई और पूरे इलाके में चक्का जाम कर दिया गया, दुकानें बंद कर दी गई। मीरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कामरान अली ने डॉन.com को यह बताया कि जब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की इस्लामगढ़ शहर में सीने में गोली लगने से मौत हो गई। कुरैशी वहां अन्य पुलिस कर्मियों के साथ कोटली और पुंछ जिला होते हुए मुजफ्फराबाद जा रही एक रैली को रोकने के लिए तैनात थे। ये रैली जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी JAC के बैनर तले निकाली गयी थी। शुक्रवार को हड़ताल के बीच POK की राजधानी मुजफ्फराबाद के अलग अलग इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि मुजफ्फराबाद डिवीजन और पुंछ डिवीजन में पूरी तरह हड़ताल रही। क्षेत्रीय सरकार ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को बुलाया है। SSP ने बताया कि कम से कम एक पुलिस अधिकारी और एक युवा लड़का घायल हो गए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों द्वारा पथराव करने और बोतलें फेंके जाने के बाद पुलिस ने कुछ इलाकों में आंसू गैस के गोले छोड़े और हवाई फायरिंग भी की। JAC ने राज्य में अधिकांश हिस्सों में व्यापारी सबसे आगे हैं। JAC क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन लागत के अनुसार बिजली का प्रावधान, गेहूं के आटे पर सब्सिडी और अभिजात वर्ग के विशेष अधिकारों को समाप्त करने की मांग कर रहा है। क्षेत्रीय प्रशासन ने प्रदर्शनों को रोकने के लिए रेंजर्स और पुलिस कर्मियों की एक बड़ी टुकड़ी भी तैनात की है। वहीं जियो रिपोर्ट की माने तो रविवार को भीमबर और बाग कस्बों सहित POK के अन्य हिस्सों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। इसमें ये कहा गया है कि मीरपुर में सभी मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई है। सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में इसे लेकर एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति जरदारी ने हितकारों को मुद्दे के समाधान के लिए प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को कहा कि वह POK की स्थिति को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि कानून अपने हाथ में लेने और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि POK के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक ने से बात की है और क्षेत्र में अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को कार्रवाई समिति के नेताओं से बात करने का निर्देश दिया है। वहीं शनिवार को मुजफ्फराबाद की ओर अपने नियोजित लंबे मार्च से एक दिन पहले कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने बाजार बंद और चक्का जाम और हड़ताल की घोषणा की थी। शुक्रवार को हड़ताल के बीच POK की राजधानी मुजफ्फराबाद के अलग अलग इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। अधिकारियों ने लोगों को शहर की ओर जाने से रोकने के लिए अधिक गिरफ्तारियां करने के अलावा मुजफ्फराबाद की ओर जाने वाली सड़कों पर मिट्टी के ढेर भी लगा दिए हैं। कुल मिलाकर के POK में महंगाई को लेकर के एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।